सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मन सिंह, सेकेंड फॉर्फ एम बी बी स्टूडेंट एट के जी एम लखनऊ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनसे मेरी बात होती है जो अभी नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों से मेरी पिछले साल भी बात हुई थी, ठीक है। तो सब में एक कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे मिला था वो ये था कि सब कुछ करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, टेस्ट में अच्छा नंबर स्कोर करने के बाद भी एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था पिछली बार। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम से पहले पैनिक कर जा रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ भी डिस्कस करने से पहले ये कहूँगा कि आप पैनिक मत करो, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम सिर पे आ गया है, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है स्पेशली ड्रॉपर्स वाले बच्चों के साथ कि वो एग्ज़ाम से पहले, मतलब इस समय का जो फेज चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मेरा भी जब एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा था, तो उस बार सिलेक्शन हो जाता मेरा, ठीक है, मैं बॉर्डर लाइन से सिर्फ 2 नंबर पीछे था। लेकिन क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था, ठीक है। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं सो नहीं पाया, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं सो नहीं पाया। रात में मेरी आदत थी 3 बजे तक पढ़ने की, मुझे 6 बजे तक नींद नहीं आई। उसके अगले दिन का 1 दिन का टाइम था, लेकिन वो दिन मैं पूरा घबरा गया कि आज तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं इस समय कहूँगा कि घबराओ मत, आप जो पढ़े हो, आप जो किए हो, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपको इसमें सिर्फ शांत रहना है, थोड़ी मेडिटेशन करनी है, मंदिर पे चले जाओ घूमने के लिए, 1 घंटे आधे घंटे जरूर निकलो रूम से, है ना, और अपने आप को शांत रखो, अच्छी नींद लो, और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रोसीड करो, ठीक है, पैनिक मत करो। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कि नीट 2024 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी, मतलब देखो चैनल पे मैंने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाने वाली चीज़ें कवर कर रहा हूँ इस समय। इनऑर्गेनिक की काफ़ी चीज़ें कवर हो गई, ऑर्गेनिक की भी चीज़ें चल रही हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी लाइनर्स चल रही है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बार बार, कई बार जो लोग मुझे देखते होंगे वो जानते होंगे कि मैं बहुत चिल्ला के बोलता हूँ कि यार फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना मैंडेटरी है। तो वो चीज़ें मैं इस समय चैनल पर करा रहा हूँ, तो उसको करो। यहाँ पर मैं आज वाली वीडियो में सारी चीज़ें बात बताऊंगा, सारी चीज़ों पे बात करूंगा, ठीक है। जैसे कि मटेरियल्स आपको कौन कौन से यूज करने हैं इस समय, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। कितने टेस्ट देने हैं, कैसे टेस्ट एनालाइज करना है, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है जल्दी जल्दी इस समय लास्ट टाइम में। लोग बोलते हैं कि मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ो, कैसे पढ़ लें, वो सारी चीज़ें बातें होंगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल पर थोड़ी बातें होंगी। वन शॉट लेक्चर आपको इस समय देखने चाहिए, कौन से देखने चाहिए, कितने देखने चाहिए, वो सारी चीज़ें बात करूंगा। सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, तो जितने भी मतलब स्पेक्ट्रम हो सकते हैं आपके डाउट्स के, वो सारे कवर हो रहे हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, उसके ऊपर भी आपको चीजें बताऊंगा मैं। तो यहां से सबसे पहले मैं शुरू करूं कि हमें अब लास्ट टाइम में जो अपने पास टाइम बचा है इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको इस समय सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपको इस समय अपने नोट्स पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं। फिजिक्स के नोट्स में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, उसको समझाया जाता है, थोड़ा डिराइव कराया जाता है, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल कराए जाते हैं। तो वो चीज़ आपको पढ़नी है और न्यूमेरिकल करनी है, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करना है और न्यूमेरिकल भी साथ में प्रैक्टिस करनी है। नोट्स से करना है और कहीं से नहीं करना है, ठीक है। पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एटलीस्ट 2 बार तो कर ही जाओ, 1 बार आप कर चुके होंगे। जो लोग पहले से मुझे देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैंने काफ़ी इंफेसाइज किया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी तक यदि नहीं भी किया है तो 2 बार सॉल्व कर जाओ। कैसे सॉल्व करना है वो मैंने PYQ वाली वीडियो में बताई है, ठीक है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करूँगा, ठीक है। टेस्ट पेपर आपको देने हैं, ठीक है, टेस्ट पेपर आपको देने हैं, टेस्ट की एनालिसिस करनी है। फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल ही तो करने हैं, ठीक है, एक तरीके से क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से ना करके टेस्ट पेपर के थ्रू करो, ठीक है। डेली आप यदि एक टेस्ट देते हो तो डेली आप 50 क्वेश्चन फिजिक्स के प्रैक्टिस कर जाते हो, उसके साथ और भी करते हो केमिस्ट्री बायो के, लेकिन डेली आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ और उसको एनालाइज करो, उसमें जो गलतियां हैं उसको रेक्टिफाई करो, उसको सुधारो, ताकि नेक्स्ट टेस्ट पेपर में उससे गलती ना हो और नेक्स्ट पेपर में पिछले वाले से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। इसके बाद बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको 3 चीज़ें हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपको एनसीईआरटी की थ्योरी करके जानी है। मैं बार बार बोलता हूँ, यदि 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन वाले या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल्स वाले। तो एनसीईआरटी की थ्योरी आपको एकदम अच्छे से कवर करके जानी है। एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी की फिजिकल थ्योरी को आप
एक बार जरूर आपको पढ़ना चाहिए। आप फार्मूले सारे रट लो, फार्मूला वाले जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं वो बहुत आसान आते हैं, तो फार्मूला पे फार्मूला भी यदि आप सारे रट लेते हो, सारे याद कर लेते हो, उस पर एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री डन है। ठीक है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा चीज़ मैं आपको क्या कहूँगा कि यदि आप एनसीईआरटी की थ्योरी में पढ़ना नहीं चाह रहे हो तो लगभग 40-45-50 मिनट की वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ एनसीईआरटी की थ्योरी पे फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, सॉल्यूशन की मैंने अपलोड कर दी है, एक बार उसको जरूर देखो, और उसको जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स आप खुद नहीं नोटिस किए होंगे। ठीक है, तो मैंने एक एक लाइन पढ़ी थी अपने समय में फिजिकल केमिस्ट्री की और सब बताया है मैंने आपको उस वीडियो में, तो देखना उसमें एक बार जरूर से सॉल्यूशन वाले वीडियो देखो, आपको जरूर आइडिया लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिकल केमिस्ट्री की अब आप बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो क्वेश्चन थ्योरी पे तो हमने ध्यान दे दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अपने नोट्स को रिफर करो, नोट्स में कराए गए चीज़ों को पढ़ो, फार्मूला देखो और नोट्स में कराए गए क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, मॉक टेस्ट में जो आप क्वेश्चन दे रहे मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारो, उसको नोट्स से पढ़ो, रेफर करो और उसको एनालाइज करो, और मॉक टेस्ट के थ्रू अपने फिजिकल केमिस्ट्री को भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 10 साल तक लगा लेने हैं। ठीक है, 10 साल से ज्यादा का मत लगाना, 10 से 15 साल 10 से 12 साल तक का लगा लेना। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ थ्योरेटिकल है, तो यहां से यदि बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चीजों को ट्रेंड्स को समराइज करना है। ठीक है, पॉइंट्स को समराइज करने हैं, हेडिंग्स को हेडिंग किसी हेडिंग को पकड़ो, और जैसे कि ऑक्साइड पकड़ लिया, ऑक्साइड सारा एक साथ पड़ गया। ठीक है, रिएक्शन को एक जगह करो, जितने आपको पढ़ने हैं, ज़्यादातर पी ब्लॉक की चीज़ें एस ब्लॉक ये सब तो हट ही गया है। ठीक है, जो भी रिएक्शन है उसको समराइज करो, उसको एक जगह कंपाइल करो, ठीक है, कलेक्ट करो और उसको पढ़ो। ठीक है, इसके लिए आप सबसे बेस्ट रिफर कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली सीरीज जो मैं इस समय यूट्यूब पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली सीरीज में मैंने कम हेडिंग्स में ज़्यादातर चीज़ों को कवर की हुई हैं, उसको देखो, बहुत ज़्यादातर चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, लगभग 20-25 हेडिंग आपकी कवर हो जाएगी, उसमें बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो उसको आप देखो, वहाँ से आइडिया लगाओ और वैसे ही चीज़ों को पढ़ो, लिख लिख के रटो, याद करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के साथ साथ याद करने पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं लगाने हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक इस समय नहीं उठाना है। आपको करना क्या है कि पीवाईक्यू में इनऑर्गेनिक जो आ रहा है उसको पढ़ो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, उसी को देखो। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको देखो, उसमें क्या गलतियां हैं, उस पर क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझो और उसी को सॉल्व करो। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल से ज़्यादा के नहीं लगाने हैं। ठीक है, या और अच्छे से कहें तो 2019 का और 2019 के बाद का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ से बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग करनी है। ठीक है, एक चीज़ ये मैं कहूँगा कि जो आपको ज़रूरत हो, जो आपको नीड हो, वो हमें भी बताओ। ठीक है, आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी ज़रूरत होगी, ये चीज़, ये हेडिंग, ये टॉपिक, ये मतलब पॉइंट कवर करिए, तो मैं उसको ज़रूर करा दूंगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वो चीज़ें ज़रूर कराने की कोशिश करूंगा, जल्दी से करा दूंगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स करनी है। रिएक्शन जो है आपको, उसको आपको लिख लिख के याद करना है। ठीक है, रिएक्शन लिख लिख के याद करना होता है, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप रिएक्शन के, आपको रिएजेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सब पता होनी चाहिए, तो आप रिएक्शन को लिखो, लिख लिख के समराइज करो, याद करो। ठीक है, जीओसी की बात करें तो जीओसी में एनसीईआरटी का ही पढ़ो। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जीओसी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो जीओसी उतना नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में एटलीस्ट जितना दिया है उतना पढ़ो। जैसे जीओसी में मेरे को आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया था, तो मैं उतना नहीं पढ़ पा रहा था, मतलब नहीं पढ़ना था बेसिकली मेरे को, तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के पढ़ी थी। एक तो जीओसी में जितना दिया है, जैसे कि 2 पेज दिया है, तो चेन पोजिशन ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ये तो आसान है, इसके अलावा एक दो और दिया है, मेटामर दिया है, एक और दिया है, तो सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओ। उसके अलावा एल्काइल हैलाइड में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म अच्छे से वहाँ पे कवर करना है, जितना दिया है, स्मॉल डी स्मॉल एल, ठीक है, डेक्सट्रोलिवो प्लस माइनस, और थोड़ा सा बायोमालिक्यूल में ग्लूकोज के आइसोमर्स में वहाँ पे अच्छे से समझाया, अल्फा बीटा प्लस टी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल एल, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें भी मैं अभी कराने की सोच रहा हूँ। अगला ऑर्गेनिक का वीडियो जो आ रहा है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे भी आएगा, तो जीओसी कम पढ़ो। ठीक है, और मैं जो कराऊंगा उसको जरूर से कर लेना। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप के ट्रेंड्स वगैरह, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जो ट्रेंड्स जितनी एनसीईआरटी में दी हुई हैं उसको जरूर से याद करो, चाहे फंक्शनल ग्रुप का ट्रेंड हो, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं याद रखनी है, बहुत कम चीज़ें याद रखनी है, तो एनसीईआरटी एक बार देख लो, उसमें जितना दिया है बस उतना ही याद कर लो, एटलीस्ट उतना तो याद ही कर लो। ठीक है, उसके बाद सिमिलर रिएक्शन को समराइज करो, इसको मैं भी कराऊंगा। ठीक है, काफ़ी सारे सिमिलर रिएक्शन को मैं समराइज कराने वाला हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ से देख लेना जरूर से। बायोलॉजी में कुछ नहीं नया बताऊंगा, बायोलॉजी में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, रैपिडली कवर करना है,
कोशिश करो एक यूनिट एक दिन में खत्म करने की जल्दी जल्दी, ठीक है। कोशिश करो एक यूनिट एक दिन में खत्म हो जाए, कैसे करना है बता रहा हूँ। बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक इस समय उठाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं, यदि वो एनसीईआरटी का है तभी उसको पढ़ो, तभी उसको लगाओ, वरना छोड़ दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं 2019 के बाद के करने हैं, 5 साल के, ठीक है। सिर्फ इतने ही करने हैं। बायो में एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, कैसे पढ़ना है बता रहा हूँ। इसके बाद ज्यादा चीजें नहीं है। टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट और टेस्ट के एनालिसिस की बात करें तो भैया देखो, जिन इस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 400 से 500 वाले, 500 से 600 जो ला रहे हैं इस समय, जो 600 से ज्यादा, 620 से ज्यादा इस समय नंबर ला रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग 400 से 500 वाले हैं वो टेस्ट मत छोड़ना, ठीक है। जो 500 से 600 वाले हैं वो टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट की एनालिसिस करना मत छोड़ना, एनालिसिस आपको भी करनी है भाई, ठीक है जी, ठीक है। टेस्ट दो और एनालिसिस करो। 500 वाले टेस्ट दे रहे हो तो उसकी एनालिसिस करना मत छोड़ना, ठीक है। 600 वाले टेस्ट दे रहे हो टेस्ट के एनालाइज कर रहे हो तो पढ़ना मत छोड़ना, रिवीजन करना चीजों को मत छोड़ना, ठीक है। अब इसके बाद में बताऊं, जो 400 से 500 वाले हैं वो अपने थ्योरी पे इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि आपके नंबर अभी कम आ रहे हैं 400 से 500 के बीच में है तो मतलब आपको काफी सारी चीजें याद नहीं है, काफी सारे एग्जाम्पल्स, ट्रेंड्स, चीजें, कॉन्सेप्ट्स में भी कहीं कहीं दिक्कत है, उसको सही करो, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देते रहना है दो दो दिन के इंटरवल पे। जिसके 500 से 600 नंबर आ रहे हैं वो अल्टरनेट डे पे टेस्ट देते रहो, चीजों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने की कोशिश करो, समराइज करने की कोशिश करो, रटो लिखो याद करो, यही सब करो, ठीक है। जिनके 600 से ऊपर टेस्ट आ रहे हैं वो भैया आप लोग डेली टेस्ट दो और डेली टेस्ट को एनालिसिस करो, ठीक है। टेस्ट देने में आपको टाइम लग रहा है, 3 घंटा लगता है, ठीक है। टेस्ट देने में 3 घंटा लगता है, एनालाइज करने में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, या फिर आपके कम क्वेश्चन अब गलत हो रहे होंगे तो 1 घंटे में भी एनालाइज हो जाता है अच्छे से, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करना है मैंने एक वीडियो में बताया है, उसको देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद बात करें मॉक टेस्ट के, हाँ आपको ये करना है, जिनके नंबर 620 630 के ऊपर आ रहे हैं ना, आपको एक चीज करना है यार, कि आप अपना टाइम थोड़ा कम करने की कोशिश करो। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, अभी तो 3 घंटे 20 मिनट का है, तो आप कोशिश करो 2.5 घंटे में टेस्ट खत्म करने की। जब आप रूम पे टेस्ट दे रहे हो तो आप OMR तो भरते नहीं होगे, रूम पे जो टेस्ट देता है OMR नहीं भरता है जल्दी, तो जो आप रूम पे टेस्ट दे रहे हो यदि आप OMR नहीं भर रहे हो जबकि आपको भरना चाहिए OMR, तो आप टाइम घटाने की कोशिश करो, ठीक है। 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट तक पेपर खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी आपके पास बचा हुआ जो टाइम बच रहा है 8 घंटा 9 घंटा, उसमें आप अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, क्या पढ़ना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा टेस्ट एनालिसिस की। तो जब आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट एनालाइज कर रहे हो, तो उसमें आप गलतियां कर रहे हो तो ठीक है, गलतियां कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने मिस्टेक्स को लिखते जाओ, ठीक है, या तो आप अपने मिस्टेक्स को क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते जाओ, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि अब लास्ट का समय है, जल्दी जल्दी चीजों को करना है, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, तो लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ये स्टार्टिंग में अप्रोच किया जाता है, एक कॉपी में पहले भी बोला होगा कि एक कॉपी बना लो जिसमें अपनी गलतियों को लिखा करो, लेकिन अब क्या करो, अब आप टेस्ट में जो क्वेश्चन गलती हो रहा है, जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन और उसके ऑप्शन, तो आप क्या करो एक अलग कलर का पेन उठाओ और पूरा क्वेश्चन को सर्कल कर दो, और लास्ट टाइम में अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं बताऊंगा कि लास्ट के हफ्ते में क्या करना है, कैसे करना है, एक एक दिन का डिवाइड करके बता दूंगा, तो लास्ट टाइम में आपको अपने पूरे पेपर्स जरूर से देख के जाने चाहिए। इसके बाद ये वाला पॉइंट कि कैसे एनसीईआरटी को जल्दी से कवर करें, तो इस समय लिख लिख के पढ़ो, ये वाला काम मत करो, ठीक है, लिख लिख के मत पढ़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आपको बहुत कहीं पे दिक्कत हो रही है तो उसको चार्ट के फॉर्म में समराइज करने के लिए आप लिख लो, लेकिन जो चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो उसको आप अलग अलग रंग की अलग अलग कलर्स के हाइलाइटर लाओ और उसको कलर हाईलाइट कर करके पढ़ो, ठीक है। जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं उनको आपने नॉर्मल हाइलाइटर से आता है जो ग्रीन कलर का उससे कर दिया, जो उससे अच्छे पॉइंट है उसको पिंक कलर वाले से कर दिया, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है उसको ब्लू कलर वाले से कर दिया, तो इस तरीके से अलग अलग हाइलाइटर्स के कलर्स को लेके आप सिर्फ हाईलाइट करो, याद करो, पढ़ो, ठीक है। अपना आप ऑडियो बुक बना सकते हो, ये मैंने काम किया था लास्ट टाइम में, ठीक है। इसमें मैं क्या करता था, जैसे कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ लास्ट टाइम में, जहाँ जहाँ मेरे को दिक्कत होती थी उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो स्टेटमेंट मुझे एज इट इज याद करना है या फिर जो स्टेटमेंट मुझे बार बार गलत कराता है उसको मैं रिकॉर्डर ऑन किया, बोल दिया, बंद किया, फिर पढ़ते गया, फिर रिकॉर्डर ऑन किया, बंद किया, ऐसे करके एक 25-40 मिनट की आपकी 11th की 40-45 मिनट की 12th की ऑडियो बुक बन जाएगी। आप चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी मैं बात करूँ तो आप सोने के लिए 8 घंटे से कम इसमें मत सो, ठीक है। जो लोग इससे कम सो रहे हैं जान लो कि आप पैनिक कर रहे हो, ठीक है, तो मत करो, 8 घंटे आपको सोना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको 2.5 से 3 घंटे देने, चलो 3 घंटे पूरा ले लो, एनालाइज इसको 2 घंटे करोगे, ठीक है, इसको आप एनालाइज करोगे 2 घंटे, ठीक है। अब इतना करने में आपको टाइम कितना चला जा रहा है,
13 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में से आपका 13 घंटे इसमें चला जा रहा है। अब डेली का यदि कुछ काम आप कर रहे हो, ठीक है, डेली का जो आपका खाना पीना है उसको मैं 2 घंटे डेली का यदि हटा दूं तो आपके 15 घंटे टोटल चले जा रहे हैं। अब इसके बाद आपके बच कितने रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद आपके 8 घंटे एकदम अच्छे से बच रहे हैं, ठीक, 8 से 9 घंटे, ठीक। तो आप 8 से 9 घंटे अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को रिवाइज करो, चीज़ों को कलेक्ट करो, टेस्ट देने के बाद, टेस्ट को एनालाइज करने के बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है तो उसमें चीज़ों को पढ़ो, याद करो, रटो, यही सब करो। टाइम टेबल लास्ट मंथ में आपको जो सबसे बेस्ट टाइम टेबल होता है वो होता है डेली टाइम टेबल, तो आप डेली टाइम टेबल बनाओ। इस समय आप वीकली टास्क बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास वीक, गिन के वीक बचे हुए हैं, वीक्स, ठीक है। आप सिलेबस का टास्क बना नहीं सकते क्योंकि आप अब तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, कहीं कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी हो सकती है बची हो, ठीक है। तो आप इस समय डेली टाइम टेबल बनाओ, डेली सोने से पहले डेली आप अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, सोने से पहले आप अपना डेली टाइम टेबल बनाओ कि कल सुबह मुझे क्या क्या करना है। कल 2 घंटे टेस्ट देने हैं, 2 घंटे एनालाइज करना है, फिर मुझे मार्फोलॉजी पढ़ना है, मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, और मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करनी है, मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ का 2 वीडियो देखना है। तो ऐसे ऐसे अपने चीज़ों को रात को सोने से पहले डिसाइड करो, अगले दिन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। इतनी ही बातें मुझे सारी बतानी थी। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा ये भी है कि वन शॉट लेक्चर आपके बेनिफिशियल हैं इस समय कि नहीं। तो देखो यार, यदि आप इस समय 8-8, 10-10 घंटे के वन शॉट करने के चक्कर में पड़ोगे तो थोड़ा सा तो गड़बड़ है, ठीक है। आप इस समय क्या करो, छोटे मोटे जो वन शॉट कराए जा रहे हैं 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के, उसको कर लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के। उसको यदि करना चाहते हो तो 2x पे करके कर लो, ठीक है। आप यदि चाह रहे हो कि 6-7 घंटे की आप वन शॉट करो तो मत करो, इस समय अपने से वर्क करो, अपने से क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं तो लेक्चर जब तक आप देखते हो ना, जब तक आप लेक्चर देखते हो और लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वहाँ बन जाता है, फिर जब आप खुद से बनाने के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, खुद से बनाने की कोशिश करते हो तो नहीं बनता है, टेस्ट में बनाने की कोशिश करते हो तो नहीं बनता है। खुद से काम करो, जो चीज़ें आपकी कहीं कहीं छोटी है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप पूरा वन शॉट देखने मत बैठो, ठीक है, पूरा मत बैठने देखो। आपको कहीं पे थोड़ा सा डाउट है कि मान लो चलो सेल, जो हॉलो सेल है, स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेरिकल सेल है, सॉलिड स्फेरिकल सेल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, पोटेंशियल का वेरिएशन, वहाँ पे यदि दिक्कत आ रही तो वो वाली वीडियो आप इसमें रेफर करके देख लो, पूरा पूरा लेके मत बैठो। या फिर कोई आपको कॉन्साइज करके दे रहा है चीज़ों को आधे घंटे में, 40 मिनट में, 50 मिनट में, तो वो चीज़ें कर लो। जैसे इस समय मैं आपको एकदम एक्यूरेट चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हो, वहाँ से आप चीज़ों को समराइज कर सकते हो। वैसे वीडियोज खोजो, वो सब देखो आप इस समय, ठीक है। सिली मिस्टेक कैसे कम होगा, तो सिली मिस्टेक भैया इसमें एक ही शब्द कहूँगा कि टेस्ट को एनालाइज करने से ही सिली मिस्टेक कम होता है, ठीक। इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिली मिस्टेक टेस्ट देने से और टेस्ट को एनालाइज करने से ही कम होता है, ठीक है। तो इतनी बातें थी टोटल, आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, ठीक है। तो लास्ट में फिर मैं यही कहूँगा कि पैनिक मत करो, ठीक है, घबराओ मत, टेंशन मत लो, ठीक है, ऐसा मत करो। मैं कईयों को जानता हूँ, ठीक है, जो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मतलब कितना सो रहे हो आप, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं 11 बजे सोता हूँ यार, 3 बजे नींद खुल जाती है। ये मत करो, ठीक है, 11 बजे सो रहे हो, 12, 1, 2, 3, आप 4 घंटे सो रहे हो पूरे दिन में, मतलब आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो। आप सोच पा रहे हो, आप 4 घंटे सो के आपका माइंड प्रोडक्टिव रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको अच्छी नींद लेनी है, 1 घंटे के लिए डेली, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए डेली घूमने निकलना है दोस्तों के साथ, ठीक है, चाय पीने निकल जाओ शाम को 5 बजे, है ना, अच्छी नींद लेनी है, आधा घंटा 40 मिनट डेली घूमना है, दिमाग को सही रखना है, घबराना नहीं है। घबरा के पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, अच्छे से पढ़ोगे सब होगा, ठीक है, मतलब शांति दिमाग से पढ़ोगे तो बहुत कुछ नॉलेज आप गेदर कर जाओगे, सब कुछ अपने दिमाग को हाई प्रोडक्टिविटी पे रख पाओगे, एग्जाम देते समय भी आपका दिमाग काम करेगा, पढ़ते समय भी आपका दिमाग काम करेगा, और चीज़ों को आप मतलब अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है, तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, सेलेक्शन जरूर हो जाएगा, घबराना मत, ठीक है, थैंक यू।